हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अभिषेक में। और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम अभी अभी हाल ही में 5 बजे के लगभग आज के डेट में ख़त्म हुआ है, इंडेप स्टेज 2 का एग्ज़ाम। तो उससे रिलेटेड सारे कट ऑफ में डिस्कस करूँगा कि फ्रेंड्स फाइनल कट ऑफ क्या होने वाली। काफ़ी सारे दोस्तों का मैसेज कॉमेंट आ रहा था कि फ्रेंड्स एक वीडियो कट ऑफ बना दीजिए जो एक बेस्ट लेवल का होगा, जिसके अंतर्गत हो सके तो हम लोग का हो और अपने बेस्ट कट ऑफ को रिवाइज कर सकें या एनालिसिस कर सकें। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो मैंने सारे रीजंस कट ऑफ क्यों कम जाएगी और कट ऑफ कितनी जाएगी, उसका बैकग्राउंड क्या है, किस वजह से ये सब चीज़ें हो रही है, सारे चीज़ें एक्सपेक्टेड कट ऑफ को मैं डिस्कस किया हूँ। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अभी जो लोग हमारे इस चैनल को देख रहे हैं और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि अपकमिंग वीडियो आपको आसानी से सबसे पहले मिलते रहे। क्योंकि फ्रेंड, कल से हम वीडियो एग्ज़ाम के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो लगातार हर दिन आपको 1 से 2 वीडियो कंटिन्यू मिलेंगे, रीजनिंग से लेकर जीएस से लेकर हर चीज़ का, और हिंदी भी सब्जेक्ट भी आपको कंटिन्यू मिलेगी एक एक वीडियो। तो फ्रेंड्स, अभी वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उस एक्सपेक्टेड कट ऑफ के तरफ बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप मेन पेज में ही देख रहे होंगे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट 2018। सबसे पहले कट ऑफ को डिस्कस करने से पहले मैं सारी चीज़ों को डिस्कस करूंगा आपके साथ में कि फ्रेंड्स टोटल वैकेंसी कितनी थी। तो टोटल वैकेंसी यहां से आप देख पा रहे होंगे और आपको पता भी होगा, 1786 वैकेंसी थी। जनरल का जो वैकेंसी रहती है नियर अबाउट सारे वैकेंसियों में आप देखते होंगे 50% रहता है, और OBC का है लगभग 27% उसका टोटल वैकेंसी का, तो 482। SC का 375, SC का सबसे कम सीट रही है इस बार के ये वाली वैकेंसी में, तो 36, ठीक है फ्रेंड। पॉइंट नंबर 2 है जिसकी वजह से ये कट ऑफ कम हो रही है, धीरे कम होता दिखाई पड़ रहा है। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने द्वितीय स्टेज की परीक्षा छोड़ी, जिसका मुख्य वजह 3 बड़ी भर्तियों का रिजल्ट फाइनल हुआ, जिसमें आपका मेन भर्ती थी सहायक अध्यापक का, गणना असिस्टेंट और सुपरवाइजर का फ्रेंड्स, और CGL परीक्षा 2016 का लगभग फाइनल रिजल्ट। अभी 1-2 महीने में इसका पूरा मतलब किस आपके स्टेट में आपका सिलेक्शन हुआ है, किस ज्वाइनिंग होगी, ये सब सारी चीज़ें नहीं है। इसको लेके कुछ बच्चों ने दिया भी है, कुछ बच्चों ने नहीं भी दिया, और कुछ पोस्टें थी जो रेलवे विभाग से रिलेटेड, 2-4 और वैकेंसी थी जो छोटी वैकेंसी थी, तो इनसे रिलेटेड जिनमें जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है फ्रेंड्स, तो उन्होंने स्टेज टू की परीक्षा छोड़ दी। लगभग 2000 बच्चों का एक एनालिसिस करने के बाद फ्रेंड्स, फर्स्ट डे से जैसे ही एग्ज़ाम इसका कंटिन्यू हो रहा है, तब से मैं कंटिन्यू एनालिसिस कर रहा हूँ इन सब सारी चीज़ों का, और पेपर के मैटर्स को, सारे रूल्स को भी मैंने पिछले वीडियो में डिस्क्राइब भी किया था। तो चलिए फ्रेंड, पॉइंट नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। प्रथम स्टेज के पेपर का माध्यम काफ़ी आसान था, जिसमें सभी वर्ग का कट ऑफ लगभग निम्न होता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें कुछ उलटफेर हुआ था, जैसे कि जनरल का जो आपका कट ऑफ था 78 to 80 के बीच में रहा है, OBC का कटअप इस बार जनरल से ज़्यादा गया था इसमें, तो 83 to 85 के बीच में था। SC का कटअप जो था 72 और ST का जो कटअप था 70, महिला अभ्यर्थियों का जो कटअप रहा था वो 76 रहा था। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। आगे पॉइंट में क्या मैंने दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है फ्रेंड्स द्वितीय स्टेज की परीक्षा का अंक। हिंदी में आपके 25 अंक थे और अंग्रेजी के भी आपके 25 अंक थे फ्रेंड्स। ये टाइपिंग एग्ज़ाम का रिजल्ट फर्स्ट स्टेज का देने से लेके टाइपिंग होने तक लगभग 6 महीने समय हो चुके हैं, तो उम्मीद करता हूं कि लगभग सारे अभ्यर्थियों ने काफ़ी अच्छी टाइपिंग कर ली हो। तो मैंने एक सेकेंड स्टेज में जो औसत प्राप्तांक है वो आपका बनाया है 42 से 45 के बीच में फ्रेंड्स। जो आपके मार्क्स कटेंगे वो इस तरीके कटेंगे, मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। अगर 5 गलतियों पर आपका हाफ मार्क्स जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये 50 मार्क्स से अगर 5 गलतियाँ होती हैं आपके तो हाफ मार्क्स जाएगा। ऐसे आप एनालिसिस कर सकते हो कि फ्रेंड्स कितना आपका मार्क्स कटा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। 10 गलती होती है उनका 1 मार्क्स जाएगा, 15 गलती होती है तो उनका लगभग 1.5 मार्क्स जाएगा। तो दोनों से मिला के इंग्लिश हिंदी में आपका कितना इरर हुआ है, कितने आपने स्कोर किया है, उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स कटेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 5 जो है, जो सबसे मेन चीज़ है जिसके ऊपर ये पूरी वीडियो बनी है, तो फ्रेंड स्टेज 1 और स्टेज 2 को मिलाकर बनाया गया जो औसत रहेगा वो कट ऑफ यही रहेगा। नियर अबाउट अभी तक जितने भी एग्ज़ाम होते हैं फ्रेंड्स, जब से मैंने यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है उसके बाद जितने भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ देते हैं, अभी तक फाइनल मैं बता दूँ आपको सारे कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ सही हुए हैं। तो इसके लिए मैंने काफ़ी एनालिसिस किए, लगभग 2,500 बच्चों से लेके एनालिसिस की कि उनका मार्क्स कितना रहा है, कि कैसे कैसे अटैम्प्ट कर रहे हैं या कितने कितने मार्क्स उनके आ रहे हैं इसमें टाइपिंग स्टेज में। और टाइपिंग स्टेज का जो मैंने औसत मार्क्स रखा है प्राप्त अंक है 42 से 45, ठीक है फ्रेंड्स। काफ़ी बच्चे इसके बीच में रहे हैं तो इसीलिए मैंने इसको एक एवरेज मान लिया है। अब फर्स्ट स्टेज में जो आपके आपने अभी यहाँ से मार्क्स देखा मैंने उसको मिला के,
ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से। और इसमें आपको लगभग 45 मार्क्स ऐड करने के, 42 से 45 के बीच में मार्क्स ऐड करने पे जो एक्सपेक्टेड और सेफ अटेम्प्ट्स कट ऑफ आ रही वो ये है फ्रेंड्स, यहाँ से मैं आपको डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। सामान्य वर्ग की जो कट ऑफ रहेगी 124 से 131 के बीच में, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है ओबीसी को इस टाइम इसमें आरक्षण मिलेगा फ्रेंड्स, जो फाइनल कट ऑफ बनेगी ओबीसी को इसमें आरक्षण मिलेगा जो हमेशा हर वैकेंसी में मिलता है, तो 121 से 128 के बीच में इनका रहेगा कट ऑफ। एससी का जो कट ऑफ रहेगा फ्रेंड्स 112 से 120 के बीच में रहेगा। एसटी का जो कट ऑफ रहेगा वैकेंसी कम होने की वजह से थोड़ा इंक्रीज होगी इनकी कट ऑफ, 105 से 111 के बीच में होगा। महिला अभ्यर्थियों की जो कट ऑफ रहेगी वो 113 से 120 के बीच में रहेगा। और पीएच हैंडीकैप्ड के कुछ ही पोस्ट हैं फ्रेंड्स, तो उनके लिए इसमें आरक्षण मिलेगा, लेकिन इनकी कट ऑफ भी क्या रहेगी 108 से लेके 116 के बीच में। ये रहेगी फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ। आप अपने मार्क्स को कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, तो वहाँ से भी चीज़ों को मैं बता सकता हूँ कि आपके सेफ अटेम्प्ट्स कितने हो सकते हैं। लास्ट में मैंने एक नोट दे रखा है फ्रेंड्स, कट ऑफ में 2 या 3 अंक का अंतर हो सकता है फ्रेंड्स। वजह एक चीज़ का और है, अभी एक दो वैकेंसियाँ जैसे आपका 2016 में जो जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम हुआ था उसका फाइनल रिजल्ट आने वाला है। अगर इसके पहले, इस वैकेंसी के पहले उसका फाइनल रिजल्ट आता है तो काफ़ी सारे बच्चों का सिलेक्शन उसमें हो जाएगा। मैं एक गुजारिश करूँगा, अपील करूँगा उन सभी स्टूडेंट्स से जो हमारे वीडियोज़ को देख रहे होंगे, अगर उनका सिलेक्शन इस वैकेंसी के क्लियर होने के पहले कहीं होता है और इससे अच्छे 2000 पे ग्रेड के ऊपर अगर कुछ वो पेमेंट मिलता है उनको, तो वो उस वैकेंसी को ज्वाइन कर ले, क्योंकि आप कि एक सीट छोड़ने की वजह से किसी एक को रोजगार मिल सकता है या गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को ये पूरा वीडियो पसंद आएगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर कर ले अपने सारे सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, और लाइक कर ले हमारे इस वीडियो को, और जितना हो सके दोस्तों से शेयर करें ताकि उनको अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन अपडेशन हमेशा और सबसे पहले मिलते रहे। चलिए फ्रेंड वीडियो को क्लोज करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।